इनेलो के प्रधान महासचिव और एलनाबाद से विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मनोहर लाल सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में चोर लुटेरों और माफियाओं की सरकार है, प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार का पूरी तरह से बोलबाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और नौकरियों में पूरी तरह से बंदरबांट हो रही है, साथ ही सरकार के संरक्षण में नशे और खनन का कारोबार चल रहा है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन काटने के विरोध में जिला स्तर पर 5 अगस्त को प्रदर्शन किया जाएगा। अब आप ये तो मान गए ना कि विपक्ष केवल इस प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, कांग्रेस तो आज की तारीख में भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है। हमने जब कभी भी इन्होंने कोई भी गलत निर्णय किया, केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जिसने हर मुद्दे को विधानसभा में उठाया। मैं अकेला विधायक होते हुए भी सरकार से जो बेकायदियां करी है उनके ऊपर मैंने जवाब मांगा है, ये बात आप सबको पता है। हमने अपने संगठन के लोगों की जिम्मेवारी लगाई है अब कि बुढ़ापा पेंशन को लेकर के हम इस बात को लेकर के जाएंगे। अब जैसे अग्निपथ वाला मामला था, सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी जिन्होंने युवाओं की आवाज़ को लेकर के गवर्नर से जाकर के मिलने का काम किया था। आपको एक चीज़ और याद दिला देता हूँ, हमने कोई भी वक्त ऐसा नहीं छोड़ा जब कभी भी कोई इन्होंने इस तरह की अनदेखी करी या कोई गलत निर्णय किए। एक फैसला इन्होंने लिया था एग्जाम का, उस वक्त में सेंट्रल सर्विसेज बोर्ड के एग्जाम भी थे, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी साथ में एग्जाम रख दिया था। मैं अपनी पार्टी के साथियों को लेकर के गवर्नर से मिला था और हमने वो जो